बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। देखते रहिए और सीखते रहिए, साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए आज हम क्वेश्चन बैंक 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है सवाल नंबर 1 का बी देखने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जो है सवालात इस एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसमें बाहमी ताल्लुक कायम कीजिए, मुनासिब जोड़ियां लगाइए, बयानात सही हैं या गलत पहचानिए, मुत्तफरिक जुज अलग कीजिए, नाम कीमियाई दाबते इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए, इन तमाम का मिक्सचर, इन तमाम का जो है खिचड़ी आपको इस भी एक वीडियो के अंदर देखने और सीखने मिलेंगी। साथ ही आप अपने जो है मालूमात का, आपकी लर्निंग का जो है मुहासेबा कर सकते हैं। तो चलिए आइए चेक करते हैं आप कितने पानी में हैं। आपको 10 सेकेंड मिलेंगे जवाब देने के लिए। मैं सवाल बताऊंगा, ऑप्शन बोलूंगा या जो है बिना ऑप्शन के भी आपको जो है अपने जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो हो जाइए तैयार साइंस सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस फर्स्ट का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 1 का बी आपके सामने ये रहा। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है, तैयार रहिए। सवाल नंबर 1 का बी, बाहमी ताल्लुक कायम कीजिए, हर एक के लिए एक नंबर आपको मिलने वाला है। पहला सवाल, इसरा बवजी कशिश सखल का जो ताल्लुक है वो एम बटे एस की दूसरी है, तो सखल का मुस्तकिल क्या होगा? आपका वक्त शुरू होता है अब। जल्दी से अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद टाइम होने के बाद जो है हम आपको जवाब बताएंगे, आपको अपना जवाब टैली करना है। तो चलिए वक्त होता है ख़त्म और सही जवाब है एन एम की दूसरी बटे के जी की दूसरी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जिन बच्चों ने ये जवाब लिखा है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कीप इट अप। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, कैपिटल जी की कीमत 6.67 जरब 10 की कुव्वत -11 एन एम की दूसरी बटे के जी की दूसरी है, तो स्मॉल जी की सतह ज़मीन पर कीमत क्या होगी? आपका वक्त शुरू हो चुका है, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से टाइप करेंगे, हम जो है जवाब बताएंगे, आप उसको टैली करेंगे। सही जवाब देने वाले को ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। और जिसने गलत जवाब दिया वो सीखेगा। और राइट आंसर इज 9.77 9.77 एम बटे एस की दूसरी। बच्चों यहाँ पर जो है आपको इकाई भी लिखना कंपलसरी है। जिस तरीके से देखिए, पहले इसमें इकाई लिखी हुई है, अगर आप इकाई नहीं लिखते हैं तो आपका आधा नंबर कट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि 9.77 एम बटे एस की दूसरी, ये जो है जी की सतह ज़मीन पर कीमत होंगी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा कि सखली क़ुव्वत का ज़ाब्ता कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम की दूसरी बटे आर की दूसरी हो, तो सखली तवानाई बिलखवा की जो है ज़ाब्ता क्या होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, अपना जवाब कमेंट कीजिए, बताइए आप कितने पानी में हैं। आपका वक्त शुरू हो चुका है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब लिखा है। तो चलिए ये था सवाल और ये था जवाब कि मनफी जी मनफी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे खास में आर जमा एच, ये जो है सखली तवाना बिल खवा का जो है ज़ाब्ता होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जिन्होंने सही जवाब दिया है बिग अप्लॉज जो है ज़ोरदार क्लैप्स के साथ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि सतह ज़मीन पर गुरेज सखली रफ्तार जो है जज़र में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर हो, तो सतह ज़मीन से एच बुलंदी पर गुरेज सखली रफ्तार क्या होगी? आपका वक्त शुरू हो चुका है, कमेंट बॉक्स के अंदर
जल्दी से बताइए कि सतह ज़मीन से h बुलंदी पर गुरेज सखली रफ्तार का जो है ज़ाब्ता वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से अपने जवाब, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। और द राइट आंसर इज, जजर में दो कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर जमा एच, दिस इज द राइट आंसर। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने जो है सही जवाब लिखा है। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ जो है बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, बयानात सही है या गलत, हर एक के लिए एक मार्क आप तो दिए जाएंगे। पहचानना है कि कौन सा जुमला कौन सा बयान सही है और कौन सा गलत है। तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। आपके सामने ये रहा कि खते इस्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है। हाँ बच्चों, सवाल है खते इस्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, बिल्कुल वो टाइम आ चुका है। 29 अप्रैल हमारा जो है एग्ज़ाम की डेट है। चलिए वेरी गुड, एक्सेलेंट। और राइट आंसर इज राइट, सही जो है दिया गया बयान, दिया गया जुमला जो है वो सही है, खते इस्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है। चलिए अगला सवाल, गहराई के लिहाज से जी की कीमत कम होती है। आपका टाइम शुरू हो चुका है। राइट है या रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग, रॉन्ग है या राइट, राइट है या रॉन्ग, जल्दी से टाइप कीजिए। टाइप करेंगे तो जो है सीखेंगे, और जो है जिसने कोशिश की उसने सीखा। तो गहराई के लिहाज से जी की कीमत कम होती है, ये जुमला सही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। कमेंट करते जाइए, सीखते जाइए। जिसने कमेंट किया उसने सीखा, जिसने कमेंट नहीं किया वो देख के सीखा। चलिए तीसरा सवाल, वजन गैर सिमती मकदार है। टाइम शुरू हो चुका है आपका। सही है या गलत पहचानना है कि वजन गैर सिमती मकदार है, वजन गैर सिमती मकदार है, राइट है या रॉन्ग। और दिया गया जुमला गलत है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, माशाल्लाह आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सीखते जाइए, देखते जाइए, हासिल इल्म। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल कि गुरेज सखली रफ्तार का हिस्सा जिस्म की कमियत पर नहीं होता। चलिए आपका वक्त शुरू हो चुका है, अब जल्दी से बताइए कि गुरेज सखली रफ्तार का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता, क्या है जवाब, राइट है या रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग। और द आंसर इज, दिया गया जुमला सही है। वेरी गुड, जिन्होंने सही लिखा है वो एकदम सही है, और जो है बहुत आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। तो बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने जो है इन तमाम के सही जवाब दिए हैं। अब बारी है मुनासिब जोड़ियां लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो है जब एक अलीफ हिस्से में, जैसे यहाँ पर सुतून अलीफ में और सुतून बे के अंदर आपको जो है जोड़ियां लगानी होती हैं, तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर पहले का ऑप्शन क्या रहेगा, यानी सुतून अलीफ के अंदर जो पहला नंबर दूसरा नंबर रहता है उसका आपको सही जोड़ी आपको बतानी है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप ऑप्शन टाइप कीजिए, क्योंकि इतना लंबा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सुतून बे के अंदर देख लीजिए कि पहला जो है वो मनफी और कैपिटल जी एम स्मॉल एम बटे आर जमा एच, दूसरा जो है जजर में दो जी एम बटे आर, तीसरा जो है कैपिटल जी एम बटे आर की दूसरी, और चौथा जो है मनफी जी एम एम बटे दो आर जमा एच, इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं सुतून अलीफ में और सुतून बे में, तो आपको भी इसी तरीके से जो है कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, पहले का पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है ना। तो समझ गए आप, तो चलिए क्या आप तैयार हैं जोड़ियां लगाने के लिए। चलिए तो आइए देखते हैं पहली जोड़ी सुतून अलीफ के अंदर की गुरेज सखली रफ्तार की सही जोड़ी क्या होंगी। तो पहले का क्या रहेगा, पहला दूसरा या तीसरा या चौथा, आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से टाइप कीजिए। सिर्फ आपको ऑप्शन टाइप करना है, सिर्फ आपको नंबर जो है टाइप करना है कि पहले का क्या रहेगा, पहला दूसरा या तीसरा या चौथा। चलिए माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट जो है टाइप कर रहे हैं, माशाल्लाह मुबारक आपको। और सही जवाब रहेगा गुरेज सखली रफ्तार का जो ज़ाब्ता है वो दूसरा, पहले का दूसरा जिन्होंने लिखा है वो बहुत बहुत मुबारक उनको, सही जवाब आपने दिया है कि जज्जर में दो कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर
ये जो है जाप्ता है। आपको अपने आंसर शीट के अंदर जो पेपर के अंदर सुतून अलीफ और उसके सामने आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में लिखा है, लेकिन आपको जो है यानी बे साइड में आपको सही जवाब जो है लिखना होता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो है राइट साइड में बता रहा हूँ कि गुरेज सखी रफ्तार का सही जवाब ये। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने कि इसरा बवजे कशिश सख्ल, बताइए सही ऑप्शन दो का सही ऑप्शन क्या रहेगा। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब जल्दी से बताइए कि इसरा बवजे कशिश सख्ल कि सही जोड़ी दो की जो है जोड़ी कौन सी रहेंगी। और टाइम हो गया है समाप्त, और राइट जोड़ी है उसका जाप्ता है तीसरा, दूसरे का तीसरा कि कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर की दूसरी, द राइट आंसर। इसको जो है इस तरीके से हम लिखेंगे कि कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर की दूसरी, ये राइट आंसर है। तीसरा सवाल सखली तवानाई बिल हवा, सखली तवानाई बिल हवा कताबता क्या रहेगा, इसकी जोड़ी कौन सी रहेंगी। टाइम शुरू हो चुका है आपका, सिर्फ कमेंट के अंदर आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है कि तीसरे का कौन सा रहेगा, पहला या चौथा, क्योंकि दूसरा तीसरा तो पहले ही ऑलरेडी चला चुका है। चलिए टाइम हो गया ख़त्म, और राइट आंसर इज पहला, ठीक है। मनफी कैपिटल जी एम एम बटे आर जमा एच, ये जो है राइट आंसर है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वेरी गुड, तीन नंबर आपने जीत लिया। अगर तीन सही जवाब दिए देते हैं वेरी गुड, कीप इट अप और सीखते रहिए। चलिए अगला जो है मुनासिब जोड़ियां लगाइए, इसी सबक में से है। सुतून अलीफ और सुतून बे जो है दिया गया है, सुतून बे के अंदर आपके सामने ये ऑप्शन है एक दो तीन, ठीक है। नजर डाल दीजिए, ध्यान में रखिए और तैयार रहिए सवाल के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो फर्स्ट जो है सवाल है कैपलर के कानून, कैपलर का कानून कौन सा है, इसमें से जल्दी से जो है टाइप कीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है कि पहला यह है दूसरा है या तीसरा है, पहले का पहला या दूसरा या तीसरा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है आपको। और जो है देखना है कि कितने पानी में है, किस में कितना है दम। द राइट आंसर इज पहले का दूसरा, टी की दूसरी जो है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की तीसरी। ये जो राइट आंसर इस तरीके से आपको लिख देना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि न्यूटन का सखली कुलिया क्या रहेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, दूसरे का कौन सा है, पहला है या तीसरा है, पहला है या तीसरा है, पहला है, क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी चला गया है, तो पहला है कि तीसरा है। और टाइम होता है आपका ख़त्म, और राइट आंसर इज दूसरे का तीसरा। जिन्होंने दूसरे का तीसरा लिखा है वो बहुत बहुत मुबारक उनको। और राइट आंसर इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन जरब एम टू बटे आर की दूसरी, द राइट आंसर इज ये जो है आपको इस तरीके से। तीसरा जो है मरकज जो कुवत, मरकज जो कुवत आपका टाइम शुरू हो चुका है। और तीसरे का हाँ एब्सोल्युटली राइट की बिल्कुल जो है दो और तीन तो चले गए हैं, बचा हुआ है एक, तो सीधा सीधा लगा दीजिए जोड़ी। और ये जो है राइट आंसर आपके सामने कि एम वी सी की दूसरी बटे आर, ये जो है सही जवाब है। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं। अगले सवाल के लिए तैयार रहिए, जो दर्जेल सवालात हल कीजिए। हर सवाल के लिए एक नंबर आपको दिया जाएगा, अगला जो है सबक रहेगा ये। चलिए पहला है मुत्तफरिक जुस अलहदा कीजिए। हाँ हाँ बच्चों, हम इसमें तमाम जो है सवालात आपको लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आपकी स्टडी आपको करनी है, आपको देखना है कितने आप पानी में। पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि फ्लोरीन क्लोरीन गंधक और ब्रोमीन, इनमें से मुत्तफरिक जुस कौन सा है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, आपको आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो जो है मुत्तफरिक जुस को टाइप करना है बच्चों, यहाँ पर टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आपको टाइप करना है कि फ्लोरीन है क्लोरीन है गंधक है या ब्रोमीन है। हाँ टाइप कीजिए, और द राइट आंसर इज वो है गंधक, ठीक है। गंधक जो है ये मुत्तफरिक जुज है, और बाकी तमाम क्या है, ये हैलोजन है, फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन, ये हैलोजन से ताल रखता है, गंधक की अदा थे। चलिए ये था अगला सवाल आपके सामने, बी नाइट्रोजन नियॉन ऑर्गन और हेलियम, इनमें से कौन सा जो है मुत्तफरिक जुज है। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से टाइप कीजिए। नाइट्रोजन है नियॉन है ऑर्गन है हेलियम है, कौन है, कौन है अलग अलग कौन है, उसे निकाल कर उठा कर फेंक दीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको टिक कर दीजिए मुत्तफरिक जुज को, और द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। बाकी तमाम जो है वो
गैर आमिल गैसें हैं, नियॉन है, आर्गन है, हेलियम है, तो ये तमाम गैर आमिल हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, मुतफरिक जुज बन गया। चलिए तीसरा सवाल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, के ब्लॉक और एफ ब्लॉक टाइम शुरू होता है। अब जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा मुतफरिक जुज है, मुतफरिक जुज है, अलग है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, और द राइट 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 आंसर जल्दी से टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, और राइट आंसर इज के ब्लॉक, क्योंकि एस पी एफ ये ब्लॉक है, जदीद दर्जदोल के अंदर के कोई ब्लॉक ही नहीं है, ये तो मदार का नंबर था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको हमने निकाल दिया है। डी जो है न्यूलेंस, मोजले, मोजले मोजले नहीं मोजले, मेंडेलियो और दुबे राइनर, इनमें से कौन सा जो है मुतफरिक जुज है। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि न्यूलैंड, मोजले, मेंडेलियो और दुबे राइनर, तो यहाँ पर कौन है जो मुतफरिक है, कौन है साइंसदान जो मुतफरिक है, जिन्होंने कुछ अलग किया था, और वो है मोजले, जिन्होंने जौहरी अदद को बुनियाद बनाया था, बाकी तमाम ने जौहरी कमियतों को बुनियाद बनाकर जमातबंदी की थी। हाँ बच्चों, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, कीप इट अप, और इस तरीके से आपने जो है मार्क्स हासिल कर लिए हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, लाइक कर देते जाइए, ताकि हम जो है आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट बना सके, आपको अच्छे से अच्छा जो है दे सके। चलिए पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक के मद्देनजर दूसरी जोड़ी मुकम्मल आपको करनी है। यहाँ पर आपको टाइप करना है उफकी खतार को दौर कहते हैं, तो डैश को ग्रुप कहते हैं, वो डैश कौन सा है, उफकी खतार को दौर कहते हैं तो डैश को ग्रुप कहते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है अब, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से जो है टाइप कीजिए, बताइए कि डैश को, डैश के अंदर क्या आएगा। हाँ जल्दी से टाइप कीजिए, और उफकी खतार को अगर दौर कहते हैं तो उमूदी खतार को ग्रुप कहते हैं, द राइट आंसर उमूदी खतार। हाँ बच्चों, ये आपको जो है सही जवाब था, वेरी गुड, एक्सेलेंट, जिन्होंने उमूदी खतार लिखा है, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, सीखते रहिए, देखते रहिए। और अगला सवाल आपके सामने कि सोडियम धात है, सोडियम क्या है, धात है, तो सिलिकॉन क्या है, पहचानिए जल्दी से, और आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से टाइप कीजिए कि सिलिकॉन क्या है, सोडियम अगर धात है तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन, 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 ऐसा ही जिसकी अलामत है, ठीक है, सिलिकॉन, जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, टाइम हो गया है समाप्त, और टाइम का खात्मा, और इसी के साथ जवाब है धात नुमा है, सोडियम अगर धात है तो सिलिकॉन धात नुमा है, ये जिगजैग जो है जहाँ पर ये जिगजैग लकीरें हैं जदीद दौर जदवल में, वहाँ पर आपको ये सिलिकॉन दिखाई देगा, तो धात नुमा, धात और अधात दोनों की खसूसियत धात नुमा के अंदर पाई जाती है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने कि ग्रुप वन को अलकली धाते बोलते, ग्रुप वन को अलकली धाते बोलते, तो डैश को अलकली जमीनी धाते बोलते। आपका टाइम शुरू हो चुका है, पहचानिए डैश में क्या आना चाहिए, कि ग्रुप एक को अलकली धाते हैं तो डैश अलकली ज़मीनी धाते कहलाती हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जो है टाइप कीजिए, और द राइट आंसर इज ग्रुप टू को, ग्रुप वन को अलकली धाते बोलते हैं, ग्रुप टू को अलकली ज़मीनी धाते कहा जाता है, द राइट आंसर, वेरी गुड, सुपर बच्चों, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, अच्छे नंबर से और टॉप करेंगे इंशाल्लाह। डी जो है सवाल है, ठोस आयोडीन है ना, आयोडीन युक्त नमक कहा गया कि ठोस आयोडीन है तो डैश ब्रोमीन है। आपका टाइम शुरू हो चुका है अब, कि ठोस अगर आयोडीन, आयोडीन अगर ठोस होता है, ये रिश्ता है, रिश्ता दूसरे को देख के जो है रिश्ता जोड़ना है, कि आयोडीन अगर ठोस है, ठोस आयोडीन है तो डैश ब्रोमीन है, द राइट आंसर इज माए, 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 है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी टाइप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर माए आप जो है सही लिखिए, थोड़ा सा माए को, माए ब्रोमीन है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आपने बहुत अच्छे नंबर्स जो है हासिल कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से सीखते रहेंगे, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, इसलिए हम वक्त को ज़ाया नहीं करते, और राइट है या रॉन्ग आपको लिखना है, कौन है राइट कौन है रॉन्ग। आइए पहला सवाल कि जदीद दौरी जदोल में अनासिर के ख्वास उनके जौहरी आदात के दौरी तफाउल होते हैं, जदीद दौरी जदोल में अनासिर के ख्वात उनके जौहरी अदद के दोहरी तफाउल होते हैं। आपका वक्त शुरू हो चुका है, जल्दी से टाइप कीजिए, राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, गलत है या सही है, कौन है गलत, कौन है सही, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अभी। द राइट आंसर इज द राइट, 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 जिनों बच्चों ने राइट लिखा है वो सब की सब राइट है,
क्योंकि दिया गया जुमला राइट है, सही है। अगला सवाल आपके सामने, सोडियम की अलामत एस है, सोडियम की अलामत यस एस है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए कि क्या यह जुमला दिया गया जुमला सही है या गलत है, सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है कि राइट है, जल्दी आपको बताना है। और आपका टाइम होता है ख़त्म। और ये रहा सही जवाब कि दिया गया जुमला यह गलत है, दिया गया जुमला गलत है कि सोडियम की अलामत एस नहीं है बल्कि क्या है, एन ए है, हम जानते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि दुबे रैनर ने तीन एक्सा खौत रखने वाले अनाथिर के ग्रुप को तसलीस का नाम दिया था, क्या ये जुमला सही है या गलत है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से टाइप करिए और बताइए कि दुबे रैनर सही थे या गलत थे। ये दिया गया जुमला, दुबे रैनर ने तीन एक्सा खौत रखने वाले अनाथिर के ग्रुप को तसलीस का नाम दिया, और द राइट आंसर इज राइट, दिया गया जुमला सही है, दिया गया जुमला राइट है, एग्जैक्टली राइट है कि दुबे रैनर ने तीन एक्सा ख्वाब रखने वाले अनाथिर के ग्रुप को तसलीस का नाम दिया था। अगला सवाल आपके सामने, ग्रुप एक यानी अलकली धातुओं के खानदान से खानदान के अनाथिर है, ग्रुप एक। आपका टाइम शुरू हो चुका है, कमेंट बॉक्स में राइट है या रॉन्ग टाइप कर दीजिए। ग्रुप एक यानी अलकली धातुओं के खानदान के अनाथिर है, जल्दी से मुझे बताइए कि ग्रुप एक यानी, चलिए ग्रुप एक यानी अलकली धातु के खानदान के अनाथिर है, दिया गया जुमला सही है। वेरी गुड, सुपर, अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों, माशाल्लाह, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं। अगला सवाल कि मेंडलीफ ने अनासिर को उनके जौहरी औजान की सऊदी धरती में रखा था, बताइए दिया गया जुमला सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइम शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और देखिए बहुत तेजी से टाइम बढ़ रहा है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, इसीलिए भी हमको रुकना नहीं है, टाइम के साथ साथ चलना है हमको। कि मेडलीफ ने अनाथिर को उनके जौहरी अवदान की सऊदी तरतीब में रखा, दिया गया जुमला बिल्कुल सही है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा परफॉर्म, एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 5 की 5 सही जो है जवाब लिखे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से स्टडी करते रहेंगे, अपने अब्बू और अम्मी और जो है अपने टीचर्स के और तमाम जो है हमारे जो है नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप ऑनलाइन भी सीख रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, नेक्स्ट सवाल की तरफ लगाते हैं जोड़ियाँ, और जोड़ियों के अंदर आपको इससे पहले ही बताया गया था कि ऑप्शन बताना है सुतून ए और सुतून बी। सुतून बी देख लीजिए, इसमें ए में 32 अनासिर, बी में 2 अनासिर और सी में 8 अनासिर हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि पहला दौर, देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सही ऑप्शन लिखना है, और ए की जोड़ी कौन सी रहेंगी, ए रहेंगी, बी रहेंगी या सी रहेंगी, जो यहाँ पर जो है देख कर जोड़ी आपको लगानी है। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से जो है टाइप कीजिए कि पहले दौर में कितने अनासिर है, 32 अनासिर, 2 अनासिर या 8 अनासिर, ए का, ए बी या सी, कौन सा सही है जवाब। और ये रहा आपके सामने सही जवाब कि पहले दौर में 2 अनासिर है ना बच्चों, है ना, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, 2 ही अनासिर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट है एकदम, तो यहाँ पर सही जवाब है। आपको इस तरीके से 2 अनासिर इसके सामने लिख लेना है, सुतून बे में लिखेंगे आप, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। चलिए बच्चों दूसरा सवाल है, दूसरे दौर में कितने हैं, आपका टाइम शुरू हो चुका है, बी का ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी आपको टाइप करना है, अरे टाइप कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं ना इस वीडियो को सबकी सब टाइप करिए आंसर, लाइक कर दें, लाइक करें तो मैं और वीडियो बनाता हूँ, मुझे जो है इंस्पायर होता है, मोटिवेशनल होती है, और आप जो है मुझे तहरीक देते हैं और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा दौर में 8 अनासिर हैं, राइट आंसर इज 8 अनासिर, बी का सी ऑप्शन इज राइट, बी का सी। चलिए माशाल्लाह 2 नंबर आपने जीत चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जोड़ियाँ फिर से लगाइए, ऑप्शन ए यानी सुतून ए और सुतून बी, सुतून बी के अंदर, ए के अंदर ग्रुप 3 से 12, बी के अंदर ग्रुप 1 से 2 और सी के अंदर ग्रुप 13 से 18 आपके सामने है। और ए जो है सवाल आपके सामने है एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक की जोड़ी कौन सी रहेंगी। चलिए टाइम काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 10 सेकेंड आपको मिलते हैं। ए ऑप्शन ए का जो है, ए है, बी है या सी है, और टाइम होता है ख़त्म। और राइट आंसर इज एस ब्लॉक की जो है वो ग्रुप 1 और 2 है, तो ए का ऑप्शन जो है वो बी है, ग्रुप 1 और 2। जिनों बच्चों ने सही लिखा है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो जिन्होंने गलत लिखा है वो सीख रहे हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। अगला सवाल आपके सामने, पी ब्लॉक की जोड़ी क्या रहेंगी, बचा है ए और सी, इनमें से ही कोई होंगी, लगाइए जो है तीर का निशान और बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है।
टाइम हो चुका है खत्म और द राइट आंसर इज पी ब्लॉक की जोड़ी जो है ग्रुप 13 से 18 के दरमियान में है, ग्रुप 13 से 18 है और बी का जो है सी ये राइट आंसर रहेगा। तो माशाल्लाह जिन्होंने जो है ग्रुप 13 से 18 लिखा है या जो है ऑप्शन सी लिखा है वो तमाम की तमाम सही हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप और लगाइए फिर से जोड़ियां सुतून बी के जो है ऑप्शन आपके सामने ए जर्मेनियम, बी गैलियम, सी स्कैंडियम। ध्यान रखिए लगाइए जोड़ी, उठाइए जो है अपना मोबाइल और ए एका सिलिकॉन। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए एका सिलिकॉन की सही जोड़ी कौन सी रहेंगी। ऑप्शन ए का जो है ए का क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। और देखिए टाइम हो रहा है ख़त्म, चलिए देते हैं अगला जवाब कि एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया, तो आप इस तरीके से लिखेंगे ए जर्मेनियम। राइट, एक्सेलेंट। और आपके सामने अगला सवाल बी एका बोरॉन की जोड़ी क्या रहेगी। अब बचा है गैलियम और स्कैंडियम। आपका जो है टाइम शुरू हो चुका है, अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा, टाइम आ गया है। जल्दी से बच्चों स्टडी करना है, जल्दी से आपको टाइप करना है, जल्दी से जवाब देना है क्योंकि 29 अप्रैल को एग्जाम है। और द राइट आंसर इज स्कैंडियम, द राइट आंसर स्कैंडियम। ऑप्शन सी जो है स्कैंडियम द राइट आंसर, बी का सी जो है ये सही जवाब है। जिन बच्चों ने लिखा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है स्टडी है आपकी। जिन बच्चों की गलत है थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत है, तैयार हो जाइए अगली जोड़ी लगाने के लिए। हाँ बच्चों जोड़ियाँ लगाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए मार्क्स ही मार्क्स। तो बे सुतून के अंदर आपको मिलेगा कि ए के अंदर हीलियम, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन और सुतून ए में आपके पास है देखिए रईस गैस। बताइए कौन है इनमें से, ए है, बी है, सी है। टाइम शुरू हो चुका है। रईस गैस रईस गैस रईस गैस, कौन है रईस गैस, है ना, बहुत रईस है रईस। अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता, है ना। रईस रईस गैस कौन है, द राइट आंसर इज हीलियम, एच ई द राइट आंसर, ए ऑप्शन ए हीलियम द राइट आंसर। देखो बच्चों कभी कभी जो है ना जोड़ी के सामने ही जोड़ी दे देता हूँ हमको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है बल्कि उसके फ्यूज उड़ाना है, सवाल को घुमाना है, जवाब दे दे के थकाना है। तो हीलियम इज द राइट आंसर बच्चों, माशाल्लाह। किप 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 इट अप किप इट अप किप इट अप किप इट अप, देखते रहो सीखते रहो देखते रहो सीखते रहो। अगला सवाल आपके सामने कि बी 2.8.7 क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, किसकी है किसकी है किसकी है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, बचे हैं फ्लोरीन या क्लोरीन, फ्लोरीन या क्लोरीन, बी या सी, बी या सी, बी या सी। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट 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 करते जाओ, सीखते जाओ, कमेंट कीजिए बच्चों। ये जो है इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। हाँ टाइम ख़त्म हो चुका है और द राइट आंसर इज ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, क्लोरीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 जो है इसका जौहरी अदद है, पहले में दूसरे में 8, तीसरे में 7। इस तरीके से बच्चों देखते रहो सीखते रहो। आइए नाम रखते हैं, कीमियाई जाब्ते बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पहचानते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए, एक बार ज़ोरदार क्लैप्स कर दीजिए तमाम बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अल्लाह उन तमाम बच्चों को जो है कामयाब करे और जो नहीं देख रहे उनको भी जो है कामयाब करे और जो है दोनों जहानों के अंदर कामयाब करे और जो है वालदैन का और जो है टीचर्स का और जो है ऑनलाइन टीचर्स का भी नाम रोशन करे, आमीन। पहला सवाल आपके सामने, जदीद दौरी जदोल में दूसरे दौर की एक अल्कली धात का नाम लिखिए, जदीद दौरी जदोल में दूसरे दौर की एक अल्कली धात का नाम आपको लिखना है। जल्दी से टाइप कीजिए बच्चों, टाइम शुरू हो चुका है आपका। कोई भी एक अल्कली धात जो दूसरे दौर की एक अल्कली धात का नाम आपको लिखना है और टाइम हो गया है ख़त्म। आपके सामने ये रहा कि सोडियम है, पोटाशियम है, ये तमाम की तमाम अल्कली धात है। इसमें आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई एक ही यहाँ पर लिखना था आपको क्योंकि एक ही नंबर यहाँ पर दिया गया है। मैंने दो लिखा, कम से कम जो है एक गलत आ गया तो एक सही आ जाता है, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। अगला सवाल है, हीलियम की कीमियाई अलामत लिखिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है बच्चों, हीलियम की अलामत क्या है, कीमियाई अलामत लिखिए जल्दी से। और बहुत सारे बच्चे जो है टाइप कर रहे, जो बच्चे नींद में हैं दावत में आए हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो भी टाइप करें, टाइप करेंगे तो सीखेंगे, गलत क्यों ना हो, लेकिन गलती जब होती है तो जो है हमको देर तक याद रहती है। और सही जवाब आपके सामने है एच ई, कैपिटल एच, हाँ बच्चों कैपिटल एच स्मॉल ई, ये हीलियम की अलामत है। जिन बच्चों ने स्मॉल लिखा है वो गलत है, अगर किसी ने एच स्मॉल लिखा है वो गलत है,
कैपिटल एच लिखना ज़रूरी है, और जिन्होंने कैपिटल एच कैपिटल ई लिखा है वो भी गलत है, क्योंकि स्मॉल ई होना चाहिए। तो कैपिटल एच स्मॉल ई द राइट आंसर। जिन बच्चों ने कैपिटल एच स्मॉल ई लिखा है वो राइट है, बिल्कुल राइट है, इलियम की कीमियाई अलामत है। एक नंबर आपके पक्के। सी जो है सोडियम धातु की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखी है। टाइम हो गया है शुरू, बोलिए तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। सोडियम एन ए धात है, तो पहले मदार में, दूसरे मदार में, तीसरे मदार में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। और आपका टाइम होता है ख़त्म। अब क्या बच्चों, टाइप करो टाइप करो टाइप करो, टाइपर बनो, मतलब टाइप अभी अभी टाइपर जो है आपको बनना है। और राइट आंसर इज सोडियम एन ए इज इक्वल टू 2.8.1, पहले मदार में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो ये हो गया 11। सोडियम जो है धातु की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वो 2.8.1 है, द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, सबसे कम आमिल धात कौन सी, सबसे कम आमिल धात कौन सी है, पहचानिए बच्चों। टाइम शुरू हो चुका है, लिखिए कौन सी जो है धात है जो बहुत कम आमिल है, किसी के साथ अमल नहीं करती है, बहुत कम करती है, बहुत कम। चलिए पता है, ये पता नहीं है कि आपको, टाइप करो बच्चों, बहुत कम टाइप जो है आपने किया है, हाँ मालूम होना चाहिए आपको। द राइट आंसर इज गोल्ड, सोना, सोना ही सोना। AU जिसकी अलामत है प्लैटिनियम, ये बहुत जो है रईस धातें इनको कहा जाता है, ये किसी के साथ तामुल नहीं करती, ना जो है हवा के अंदर, ना पानी के अंदर, यहाँ तक कि आप तेजाब में भी अगर इसको डालेंगे तो सोने के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। हाँ बच्चों, ये बहुत कम जो है आमिल धात कहलाती है। चलिए ये थे हमारे जो है सवाल, अभी एक सवाल अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि वो आंसर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है, बहुत कम है। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका, पहचानो वो आंसर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है, वो सबसे कम किसका है। चलिए, और टाइम होता है ख़त्म। यहाँ पर भी बहुत कम बच्चों ने जो है जवाब लिखे हैं, देखते हैं क्या उनके जवाब सही हैं। और हाइड्रोजन इसका जो है जौहरी कमियत अदद सबसे कम है ना। इस तरीके से ये हो गए हमारे 5 सवाल, 5 नंबर आपके पक्के, ले जाइए जी जाइए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। कीमियाई तामुलात और मसावतों के ऊपर जो है सवाल है। बी दर्ज ज़ेल सवाल हल कीजिए, हर सवाल के लिए एक मार्क आपको दिया जाएगा। और पहला सवाल मुत्तफरिक जुज अलहदा करने का है, जिसके अंदर पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि HNO3 मुतफरिक जुज अलग करना है, H2SO4, CH3COOH और HCl कौन है इसमें जुदा जुदा, कर दो उसको जुदा जुदा। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि कौन है अलग, HNO3, H2SO4, CH3COOH या HCl, कौन है जुदा, कौन है मुतफरिक जुज अलग करना है। और राइट आंसर इज CH3COOH, ये जो है मुत्तफरिक जुज कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि BaOH2, NH4OH, CaOH2 या NaOH कौन है मुत्तफरिक, कौन है अलहदा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दे ताकि पता चले कि कौन है जुदा, कौन है अलग, उसको कर दो अलग थलग। हाँ बच्चों, जल्दी से जवाब अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और द राइट आंसर इज NH4OH, यह है जुदा जुदा मुत्तफरिक जुज, जिसको अलग कर दिया है हमने। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कौन है इसमें जुदा जुदा, कौन है मुत्तफरिक जुज। टाइम हो गया है शुरू, जल्दी कर दो अलग अलग। और द राइट आंसर इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये जो है मुत्तफरिक जुज कहलाता है। इस तरीके से मुत्तफरिक जुज आपने अलग किए, अब है बारी किसकी, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आप तमाम बच्चों को पास करती है। जिन बच्चों ने मेहनत की इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे, अल्लाह जो है मेहनत करने वालों कभी ज़ाया नहीं करता है। तो जोड़ी मुकम्मल आपको करनी है यहाँ पर। तो पहला देखिए कि 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, तो तरकीबी तामुल अगर ये होता है तो 2HGO इज इक्वल टू 2HG प्लस O2 क्या रहेगा। टाइम शुरू हो चुका है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि तरकीबी तामुल, पहले वाला ताल्लुक जो है तरकीबी है तो दूसरा क्या होगा। और
टाइम होता है खत्म और राइट आंसर आपके सामने ये रहा बच्चों। देखो चेक करो कि आपने यही टाइप किया, तहलीली अमल। द राइट आंसर इज तहलीली अमल, क्योंकि यहाँ पर देखिए तरकीबी तामल में क्या होता, दो आमिल अशियों से एक हासिल अशिया बनती, और तहलीली अमल के अंदर एक आमिल अशिया से दो हासिल अशिया हासिल होती हैं, तहलीली अमल कहलाता है। राइट आंसर वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तमाम के लिए मुबारकबाद है। अगला सवाल आपके सामने कि 2 Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO अम्ल तकसीद कहलाता है, तो CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu2 प्लस H2O, ये क्या कहलाएगा? टाइम हो गया है शुरू, कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर इज तहवीली अमल, तहवीली अमल कहलाएगा। तो अम्ल तकसीद के अंदर ऑक्सीजन आकर मिलती है और तहवीली अमल के अंदर हाइड्रोजन आकर मिलती है, तो यहाँ पर जो है ये तहवीली अमल कहलाएगा। चलिए बच्चों तीसरा सवाल आपके सामने, मक्खन के अंदर ब्यूट्रिक एसिड होता है, तो संतरे में कौन सा होता है? मक्खन में ब्यूट्रिक एसिड होता है तो संतरे में कौन सा होता है? टाइम हो गया है शुरू, कमेंट कर दीजिए फास्ट, संतरे में कौन सा एसिड? चलिए सही जवाब आपके सामने, सिट्रिक एसिड होता है संतरे के अंदर। जिन बच्चों ने सिट्रिक एसिड लिखा है वो तमाम की तमाम मुबारकबाद के हाबिल है, जो इन बच्चों ने नहीं लिखा वो सीखने के हाबिल है, सीखते रहिए, देखते रहिए, और जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फेनोफ्थेलिन तालीफी मज़हर है तो हल्दी क्या रहेंगे? टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए कि हल्दी क्या है? फेनोफ्थेलिन तालीफी मज़हर हैं तो हल्दी कौन सा मज़हर है? और आपका राइट आंसर है कुदरती मज़हर। हाँ बच्चों कुदरती मज़हर ही है हल्दी, है ना, जैसे जो है आपने देखा होगा। तो ये था हमारा जो है ताल्लुक़ जोड़ने का। तो ये अगला सवाल आपके सामने राइट है या रॉन्ग है, चलिए बताइए। लिटमस महलू लाइकन नामी पौधे से हासिल किया जाता है, राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, आपको बताना है बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करें तो जो है आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। बताइए राइट है या रॉन्ग है, और द राइट आंसर इज राइट, लिटमस महलू लाइकन नामी पौधे से हासिल होता है। चलिए बहुत अच्छे माशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, असास के खुवत का इजहार pH के जरिए होता है, असास की खुवत का इजहार pH के जरिए होता है। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से टाइप कीजिए, सही है या गलत है, असास की खुवत का इजहार pH के जरिए होता है, और राइट आंसर इज राइट। जिन बच्चों ने राइट लिखा है वो तमाम के तमाम राइट हैं। और अगला सवाल आपके सामने, हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है, हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है, राइट है या रॉन्ग, कमेंट कीजिए। टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से टाइम आने से पहले ही टाइम जो है कीमती बना लीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फोकस कीजिए स्टडी पर, और राइट आंसर इज राइट, हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है, दिया गया जुमला सही है, सही है, सही है, सही है। अगला सवाल आपके सामने, ये रहा ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद असल ब्लीचिंग आमिल क्लोरीन गैस Cl2 है, सही है गलत, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और टाइम शुरू हो चुका है, देखिए टाइम की टिक टिक, उसी के साथ झिकझिक, नो झिकझिक, नो झिकझिक। ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद असल ब्लीचिंग आमिल क्लोरीन गैस है Cl2 है, ये दिया गया जुमला सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ बच्चों द राइट आंसर इज राइट। और अगला सवाल आपके सामने, अगर उनसर के जोहरों की तादाद कीमियाई मसावात के तरफेन में मसावी ना हो तो ऐसे मसावात को मुतवाजन मसावात कहते हैं, जल्दी से बताइए, टाइम हो गया है शुरू, कि अगर उनसर के जोहरों की तादाद कीमियाई मसावात के तरफेन में मसावी ना हो तो ऐसी मसावात को मुतवाजन मसावात कहते हैं, दिया गया जुमला गलत है, गलत है, गलत है, क्यों भाई? क्योंकि इसको तो गैर मुतवाजन कहते हैं, दोनों पलड़े दोनों जो हैं मसावात की दोनों तरफ जो है जोहरों की तादाद बराबर होनी चाहिए, उसे मुतवाजन कहते हैं,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे, लगे रहो, देखते रहो और सीखते रहो। अगला सवाल जोड़ियाँ लगाने का है। लगाते हैं जोड़ियाँ सुतून अलीफ और सुतून बे में। सुतून बे में जो है ए फॉर्मिक एसिड, बी हरारत खारिज करने वाला अमल, सी हरारत जज्ब करने वाला अमल। और यहाँ पर जो देखिए सुतून ए में दिया गया है NaOH का पानी में हल होना। बताइए ए की जोड़ी जो कौन सी रहेंगी? ऑप्शन ए जो है, सवाल ए का जो है कौन सा रहेगा, ए बी या सी रहेगा, कौन सा रहेगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और द राइट आंसर इज NaOH का पानी में हल होना, हरारत खारिज करने वाला अमल है, हरारत खारिज जो है इसमें होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक मुबारक मुबारकबाद आपको। अगला सवाल, सुर्ख चूटी के अंदर कौन सा एसिड होता है, हरारत जज्ब करने वाला अमल है, क्या है, फॉर्मिक एसिड है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है। बी का ऑप्शन ए है या सी है, क्योंकि बी तो चले गए आप पहले ऑलरेडी, तो ए है या सी है। द राइट आंसर इज चूटी में फॉर्मिक एसिड होता है। हाँ बच्चों, काटने के बाद हमको जो जलन महसूस होती है ना, फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने जोड़ियाँ लगाने का है सुतून ए और सुतून बे के अंदर। सुतून बे के अंदर जो है ए है NaHCO3, बी NaClC, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन सुतून ए के अंदर पहला सवाल, खाने का सोडा, जाप्ता बताइए इसका कौन सा है, ए है बी है सी है। टाइम शुरू हो चुका है, कमेंट कर दे कमेंट कर दे कमेंट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे नए बच्चे। और राइट आंसर इज, देखिए तीर का निशान सीधा का सीधा जो है मार दिया है बाहुबली ने, और राइट आंसर इज NaHCO3। तो ये जो है खाने के सोडे का जाप्ता, इस तरीके से आपको लिख देना है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, धोने का सोडा, धोने के सोडे का जाप्ता लिखिए। तो बी का ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। टाइम हो गया है शुरू, कमेंट कर दीजिए फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बचा है बी या सी, बी या सी, और राइट आंसर इज सी, Na2CO3.10H2O राइट आंसर। जिन बच्चों ने लिखा है मुबारकबाद के काबिल है, जो नहीं लिखा है उनको पढ़ने के काबिल है। तो थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा लर्न कीजिए, थोड़ा सा जो है मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे। चलिए तो हो जाइए तैयार जोड़ियाँ लगाने के लिए। यह अगला सवाल आपके सामने सुतून बे के अंदर ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है देखिए 7.45 ता, 7.35 यानी 7.35 ता, 7.45, और बी ऑप्शन है 7, सी है 14। ऑप्शन ए के अंदर, सुतून ए के अंदर देखिए खालिश पानी का pH बताइए, खालिश पानी का pH। टाइम शुरू हो चुका है, अब कमेंट कर दें ए का जो है, ए है बी है सी है, क्या है राइट आंसर। राइट आंसर इज खालिश पानी का pH होता है 7। तो इस तरीके से लिख दीजिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे 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 बच्चे, माशाल्लाह। तो ये लेकर रहा अगला सवाल कि बी इंसानी खून का pH बताइए। आपका टाइम होता है स्टार्ट, लेट स्टार्ट, टाइप इन कमेंट बॉक्स। हाँ बच्चों, इंसानी खून का pH कितना होता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? और द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो 7.35 था, 7.45 द राइट आंसर है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं। तो चलिए देखते रहिए सीखते रहिए, और आपको जो है इसकी PDF मिल जाएंगी, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपको दिया जाएगा, और इसका जो है पासवर्ड आपको इस वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। जोड़ियाँ लगाइए, जोड़ियाँ लगाने के लिए जो है तैयार रहिए। सुतून बे के ऑप्शंस आपके सामने ये रहा कि ए ऑक्सीजन के साथ मिलाप, हाइड्रोजन खोना, पी कीमय तामुल की किस्म, सी हाइड्रोजन के साथ मिलाप या जो है ऑक्सीजन का खोना। चलिए ए के सवाल एक है पहले, ए तहवील, तहवील किसे कहते हैं? चलिए टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कमेंट करके कि ऑप्शन ए है, बी है या सी है, तहवील किसे कहते हैं। और द राइट आंसर राइट आंसर इज सी, इसमें तहवील यानी हाइड्रोजन के साथ मिलाप या ऑक्सीजन खोना, या देखिए बच्चों या जरूरी है, ऑक्सीजन खोना, तो हाइड्रोजन मिलता है या ऑक्सीजन खोता है, ठीक है। तो दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, तकसीद किसे कहते हैं, शुरू हो गया है टाइम, टाइप कर दीजिए ऑप्शन ए या बी या सी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
ऑक्सीजन के साथ मिलाप तकसीद का अमल, यानी ऑक्सीजन के साथ मिलाप या हाइड्रोजन खोना। तो ये द राइट आंसर है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा जो है आप ले जो है स्टडी कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहिए। अगला जो है सबक बरखीरों के असरात के ऊपर है। अब दर्जे ज़ैल सवालात के जवाब आपको लिखना है। मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बरखी मोटर, मखनातीस। मुतफरिक, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए बच्चों जल्दी कीजिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। ज़रा सा मुझे बताइए कौन सा राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह सबसे पहले जो है कमेंट किया है। हाँ माशाल्लाह, चलिए बेहतरीन और सही जवाब है। देखिए लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बरखी मोटर, मखनातीस के अंदर मखनातीस जो है, मखनातीस ये मुतफरिक जुज़ है। बाकी तमाम मखनातीस के इस्तेमाल है लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन में, बरखी मोटर में। मखनातीस के अंदर जो है कशिश करने की सलाहियत होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल, पहली जोड़ी में ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जोड़ी को मुकम्मल करना है। तो बरखी बल्ब बरखी रौ का हरारती असर को जाहिर करता है। बरखी बल्ब में बरखी रौ का हरारती असर जाहिर करता, तो डैश बरखी रौ का मखनाती असर जाहिर करता। क्या है जवाब मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टाइम हो गया है शुरू, 10 सेकेंड मिलते हैं आपको जवाब के लिए। सही जवाब देने वाले को मिलता है एक टॉफी इनाम, वो अपने अब्बू से आप ले सकते हैं आपकी स्टडी के लिए। तो चलिए राइट आंसर इज बरखी मोटर। द राइट आंसर बरखी मोटर, बरखी रौ का मखनातीसी असर को जाहिर करती है। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छे आप। चलिए अगला सवाल आपके सामने सही है गलत पहचानने का है। जिस बरखी रौ खद्र और सिमत मुकर्ररा यकसा वक्फे के बाद तब्दील हो, उसको रास बरखी रौ कहते हैं। क्या ये जुमला सही है गलत, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। टाइम हो गया है शुरू, जिस बरखी रौ की कद्र और सिमत मुकर्ररा यकसा वक्फे के बाद तब्दील हो, उसको रास बरखी रौ कहते हैं। ये दिया गया जुमला गलत है। हाँ बच्चों ठीक है, ये जुमला गलत है। चलिए अगला सवाल, बरखी रौ मखनाती से अमाला की दरियाफ माइकल फैराडे ने की। टाइम हो गया है शुरू, राइट है या रॉन्ग आपको टाइप करना है कि बरखी मखनाती से अमाला की दरियाफ माइकल फैराडे ने की। क्या ये बात सही है, दिया गया जुमला सही है, सही है, सही है, सही है। तमाम बच्चे सही हैं अगर सही जिन्होंने लिखा है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, बरखी फ्यूज, डोंट कन्फ्यूज ओनली जो है रिफ्यूज, मोबाइल को या जितने भी जो है हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको रिफ्यूज़ करो। बरकी फ्यूज़ में कम नुक्ते पिघलाव का तार इस्तेमाल करते हैं। राइट है या रॉन्ग है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बरकी फ्यूज़ में कम नुक्ते पिघलाव का तार इस्तेमाल करते हैं। और द राइट आंसर इज राइट, हाँ सही दिया गया जुमला सही है। जिन बच्चों ने सही लिखा है वो तमाम बच्चे सही हैं। अगला सवाल, तैयार रहिए और आपके सामने ये रहा सबक नंबर 5, हरारत। हाँ बच्चों करते हैं हरारत की जो है स्टडी, देखते हैं कितने पानी में हैं हम, कितनी स्टडी कर ली है हमने। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, पाइए मार्क्स। पहला सवाल आपके सामने, दर्ज ज़ैल में मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए। पहला सवाल आपके सामने, जूल अर कैलोरी न्यूटन, बताइए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है सही ऑप्शन आपको जो मुतफरिक जुज़ है। टाइम हो गया है शुरू, जूल अर कैलोरी न्यूटन, कौन है अलग, कौन है जुदा, जुदा जुदा कर दो उसको दफा दफा। तो राइट आंसर इज न्यूटन, न्यूटन इज द राइट आंसर। हाँ बच्चों बहुत अच्छे अगर आपने अगर न्यूटन लिखा है। अगला सवाल आपके सामने, तपिश, दर्जे हरारत, एहसाल हरारत, अहमाल हरारत, ऐशा हरारत। टाइम हो गया स्टार्ट, जल्दी से टाइप कर दो, कौन है जुदा जुदा, कौन है अलग अलग, कर दो उसको अलग थलग। तपिश दर्जे हरारत, एहसाल हरारत, अहमाल हरारत, ऐशा हरारत। द राइट आंसर इज तपिश, दर्ज हरारत। हाँ बच्चों दर्ज हरारत जो है ये मुतफरिक जुज़ कहलाएगा। चलिए अगले सवाल के लिए होते हैं तैयार, सबक नंबर 5 है हरारत। दर्ज ज़ैल बयानात सही हैं या गलत, राइट है या रॉन्ग। पहला, पिघलने की हरारत मख्फी को जी बटे कैलोरी, ग्राम बटे कैलोरी इकाई में जाहिर किया जाता है। पिघलने की हरारत मख्फी, हाँ बच्चों राइट है या रॉन्ग जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि पिघलने की हरारत मख्फी को ग्राम बटे कैलोरी, जी बटे सी एल कैलोरी इकाई में जाहिर किया जाता है। दिया गया जुमला गलत है, गलत है, गलत है। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि नुक्ते शबनम पर इजाफी रुतूबत 100% फीसद होती है।
चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट है या रॉन्ग बताइए कि नुक्ते शबनम पर इजाफी रुतुबत 100% होती है, 100% 100% होती है ऐसा कहा जा रहा। और दिया गया जुमला सही है, जिन बच्चों ने सही लिखा है वो तमाम बच्चे सही हैं, मुबारक के बाद जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। दिया गया जुमला सही है। अगला सवाल आपके सामने कि इजाफी रुतुबत की कोई इकाई नहीं होती, नहीं होती, क्या जुमला सही है गलत? टाइम हो गया है शुरू, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि इजाफी रुतुबत की कोई इकाई नहीं होती। और द राइट आंसर इज सही, दिया गया जुमला बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको लिख देना है बच्चों, इसी तरीके से लिखते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हासिल इल्म को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। चलिए जेल में पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक के पेश नज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है आपको। पहला है हरारत खसूसी की इस्तेतात, एसआई निज़ाम में उसकी इकाई है जे बटे के जी डिग्री सेल्सियस, हाँ जूल बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हरारत खसूसी इस्तेतात सीजीएस निज़ाम में क्या होंगी? और आपका टाइम होता है शुरू, कमेंट कर दीजिए सीजीएस निज़ाम में जो है इकाई। टाइम हो गया है शुरू, सीजीएस निज़ाम में हरारत खसूसी की इस्तेतात, हाँ बच्चों कमेंट कर दीजिए। और द राइट आंसर इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये जो है राइट आंसर है। इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो तमाम तमाम बच्चे मुबारकबाद के काबिल हैं, तमाम बच्चे जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये गया और ये आया आपके सामने। अगला सवाल, मुनासिब जोड़ियाँ बनाइए और यहाँ पर ऑप्शन दिए देखिए, ए जूल पर ग्राम, बी किलो कैलोरी, सी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और आपका पहला सवाल है हरारत खसूसी की इस्तेतात, हाँ बच्चों हरारत खसूसी की इस्तेतात की सही जोड़ी क्या हैंगी? ऑप्शन ए बी में सी में से जो है टाइप करना है। टाइम शुरू हो चुका है, टाइम की टिक टिक के साथ ही आपको टिप 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 जो है टाइप करके जवाब देना है बच्चों। और हाँ तो टाइम हो गया है ख़त्म और राइट आंसर इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये राइट आंसर है, इस तरीके से आप इसको सामने लिख लीजिए। मैंने राइट साइड में लिखा, आपको लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है सुतून बे रहते हैं ना वहीं पे लिखना पड़ता है आपको, तरतीब तो मालूम होंगी, आप जानते होंगे माशाल्लाह। अगला सवाल आ रहा है हरारत मख्फी का, अब बचे हैं ऑप्शन दो ही, ए हई में से बी में से, दोनों में से होंगे। आपका टाइम हो गया है शुरू, जल्दी से टाइप कर दे कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन है राइट। और द राइट आंसर इज हरारत मख्फी जूल पर किलोग्राम, हाँ बच्चों ए वाला ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है। और अगर आपने यही टाइप किया है तो आप बहुत बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये आपके जो है नंबर पक्के हैं, पक्के ही पक्के हैं। बाकी की स्टडी आपको करनी है, अगर नहीं है तो आपको सीखना है, इसको याद करना है। जो सवाल आपके छूट गए हैं उसे बहुत अच्छे से याद कीजिए, नाम लिखिए, इकाई लिखिए, अमल बताइए, आपको पहचानना है। चलिए पहला है वो आला जो पानी के खिलाफ मामूली रवैये के मुताले के लिए इस्तेमाल होता है, वो आला जो पानी के खिलाफ मामूल रवैये के मुताले के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम बताना है कौन सा वो आला है। आपका टाइम होता है शुरू, हो चुका है, जल्दी से टाइप करें कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें। वो आला जो पानी के खिलाफ मामूल रवैये के मुताले के लिए इस्तेमाल होता है, द राइट आंसर इज हुप का आला, हुप। यू आर स्टडिंग, हाँ आप उम्मीद है मुझे कि आप जो है स्टडी कर रहे हैं, और ये होप का आला है जिसके ज़रिए पानी के खिलाफ मामूल रवैये को मालूम किया जा सकता है। दूसरा है एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है? टाइम हो गया है शुरू, कमेंट कर दीजिए फास्ट। एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है? एसआई निज़ाम में हरारत हीट, सबक ही है हीट, इसकी तो आपको मालूम होनी चाहिए माशाल्लाह। तो देखिए सही जवाब आपके सामने है जूल, जूल जो है हरारत की इकाई एसआई निज़ाम में। अगला सवाल सीजीएस निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है, बताइए सीजीएस निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए फास्ट 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 फास्ट, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। और राइट आंसर इज कैलोरी, कैलोरी सी एल इसको जाहिर करते हैं, कैलोरी सीजीएस निज़ाम में हरारत की इकाई कैलोरी है। अगला सवाल दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाने पर इसका फिर से बर्फ बनना, नाम लिखिए बताइए दबाव की इकाई की वजह से। टाइम हो गया शुरू, जल्दी से टाइप कर दीजिए। दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटाने पर इसका फिर से बर्फ बनना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज बाज़ इंजमाम,
हाँ बच्चों, बाज़ इंजमा द राइट आंसर जिन्होंने लिखा है वो बहुत अच्छे आप कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 5 सबक की तमाम जो है खाली जगह इससे पहले कर ली है। खाली जगह की जो है वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन के अंदर या प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 चैप्टर्स मुकम्मल किए हैं, जिसमें जो है हमने तमाम की स्टडी की और देखा कि हम कितने पानी में हैं। आगे के अगर जो है आपको चैप्टर्स के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको चाहिए, लाइक कर दें। लाइक करें तो मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के बना दूंगा इंशाल्लाह। और अगर आप कमेंट्स करते हैं, जितने बच्चे कमेंट्स करेंगे अगले चैप्टर्स के लिए इसी तरीके से स्टडी और जो है अपना इवेल्यूशन के लिए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के बनाऊँगा। लेकिन आपके कमेंट्स और लाइक्स जो है होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। और साथ ही जो है खाली जगह के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर या साइट के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट जो है खाली जगह की जो वीडियो है उसको आपको पूरी देखना है। देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए हासिल इल्म के साथ, जहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलता रहेगा, अ प्लेस ऑफ लर्निंग। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।